हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन कॉलेज काउंसलर। हम यहां पे आपकी हेल्प करते हैं कॉलेज सेलेक्ट करने में। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके पॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। वीडियो के एंड में हम कॉलेज की रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 50 फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ये रेटिंग थोड़ी बहुत इंटरनेट रिसर्च, मीडिया एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट फीडबैक से लिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, यहां पे हम हर तरीके के कॉलेज को कवर करने वाले हैं। अगर आपने साइंस कर रखा है, अगर आपने कॉमर्स कर रखा है, या अगर आप यूजी पीजी में इंटरेस्टेड हो, इस तरीके के कॉलेजेस आप ढूंढ रहे हो, उस कॉलेज को भी हम यहां पे रिव्यू करने वाले हैं। आप भी अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक कर आप अपने कॉलेज का फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि आने वाले जो हमारे न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। रिव्यू ईयर 2020। तो गाइस, 2020 में मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। हो सकता है एक दो साल बाद कॉलेज की इम्प्रूवमेंट हो जाए या कॉलेज और खराब हो जाए, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। बट मैं कोशिश करूंगा, जैसे ये कुछ वीडियोस के कुछ चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपके साथ अपडेट करूं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि जो भी नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम हितकरणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जबलपुर के बारे में बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश स्टेट जबलपुर सिटी का एक ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका एड्रेस की बात करें तो हितकरणी हिल्स रोड, तेम्बार, दुमना, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482005 इसका एड्रेस है। फोन नंबर भी यहाँ दे रखा गया है। एडमिशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन पहले रुक जाओ, पहले रिव्यू देख लो, इसके बाद, ठीक है। सो गाइज, हितकरणी के और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ इमेजेस देख लेते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पिक्स तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट कॉलेज आप जाके विजिट करोगे थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेज थोड़ा पुराना है बट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मेंटेन करके इन्होंने रखा है। कुछ आप पिक्स वगैरह देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हो, अदरवाइज कॉलेज विजिट करके भी आप ये देख सकते हो। सो कॉलेज टाइप, तो ये प्राइवेट कॉलेज है, देख सकते हो ऊपर चीजें, यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई है, लाइक हितकरणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड इन 1947 इज अ प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन जबलपुर इंडिया। इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ महाकौशल रीजन। पुराना तो है ही, जाहिर सी बात है। नॉट ओके, या आई थिंक हियर समथिंग मिस्टेक, नॉट 1947, इट्स 1997, ठीक है, कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया था। सो ये एफिलिएटेड है हमारे RGPB से, और RGPB से और ऑल इंडिया जो AICTE से दिल्ली से अप्रूव्ड है और RGPB से एफिलिएटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के कोर्स सारे BE BTEC के लगभग जितने ब्रांचेस हैं सब मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भी इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, आप यहाँ से चाहो तो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है गाइस, लाइक जैसे हितकरणी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी तरह हितकरणी लॉ कॉलेज है, हितकरणी डेंटल है, हितकरणी मेडिकल वाले के लिए, हितकरणी मैनेजमेंट है, इस तरीके से बहुत सारे इनके अलग अलग इंस्टीट्यूट भी हैं जबलपुर में, ठीक है। बट आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हितकरणी का, उसके बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे MBA कर सकते हो आप, BE BTEC के जितने भी मेन ब्रांच है वो सारे आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये BE BTEC के सारे ब्रांचेस की अवेलेबल है। MCA वगैरह भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो डिटेल इनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक करोगे तो इससे ज़्यादा डिटेल कोई दिया नहीं है, जितना डिटेल है उतना मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फीस वगैरह की बात करें तो फीस वगैरह यहाँ पे BE के लिए कुछ ब्रांचेस का 70,000-65,000 के आसपास ये सैलरी है आपका, बट यहाँ पे बार्गेनिंग होता है, भूलना नहीं। जब भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज है, हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ वहाँ बार्गेनिंग जरूर करो। जनरल कास्ट के लिए ही बोल रहा हूँ खासकर, बार्गेनिंग जरूर करो, क्लियर है। 65,000 बचा रहे हैं, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए एडमिशन लेना है तो 65,000 जरूरी नहीं है, डायरेक्ट बोलो कि 40,000 में 30,000 में एडमिशन देना है तो बताओ, अदरवाइज हम जा रहे हैं दूसरे कॉलेज। बहुत ऑप्शन है गाइज, ये बार्गेनिंग होता है, इसलिए बार्गेनिंग जरूर करना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या है ट्रुथ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे BE BTEC हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे PG कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आप जाके ले सकते हो। यहाँ पे IIT JEE आप BA हो नहीं दिए हो कोई जरूरत नहीं है, आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। MP पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आई थिंक डिप्लोमा नहीं होता है कॉलेज,
जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ठीक है। पीजी कोर्सेज जो है बी एड कोर्स चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बी बीटेक जो है हमारा 60% ज्यादा रिजल्ट चाहिए तभी एडमिशन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th पास हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, क्लियर है। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसआईटी हो गया, उसमें सीट कम होने की वजह से, सीट भी इनके 60-60 की सीट है, सीट कम होने की वजह से सीट जल्दी भर जाती है, तो फिर ये थोड़ा सा नौटंकी करते हैं कि इससे ज़्यादा कम के बच्चे को नहीं रखेंगे। बट लास्ट में एडमिशन के टाइम पे क्या, और लास्ट का जो 10-15 दिन एडमिशन का रहता है उसमें हार मानकर उनको देना ही पड़ता है, क्योंकि गाइस इनका कोई भी ब्रांच अगर फुल नहीं होगा तो कॉलेजेस वालों को डर रहता है कि अगर उनका ब्रांच फुल नहीं हुआ तो AICTE की तरफ से वो ब्रांच को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो बहुत लॉस हो जाएगा कॉलेज का, इसलिए बहुत सस्ते में एडमिशन दे देते हैं, क्लियर है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में तो बहुत ही सस्ते में एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे आपका परसेंटेज कम है तो ज्यादा फीस लगेगा, परसेंटेज ज्यादा है तो कम हो जाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है, क्लियर है। डायरेक्ट बार्गेनिंग करो, जितना कर सकते हो उतना करो मिनिमम तक, एंड एडमिशन। लेटेस्ट 2020 रैंक की बात करें तो एमपी या वर्ल्ड रैंक में इसी कोई लिस्ट वगैरह नहीं आया है मेरे पास, नई डिटेल है इसलिए इसको ब्लैंक रखें। अब मैं कुछ मिसलिनियस के बारे में बात करने, हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। मॉडरेट हॉस्टल फैसिलिटी, कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटी कुछ खास नहीं, जस्ट अ मॉडरेट लेवल, सो यू कैन राइट मॉडरेट। आरएनडी की बात करें तो मैंने मॉडरेट तो लिख दिया है कॉलेज की आरएनडी के बारे में, बट मेरे को जहां तक इन्फॉर्मेशन है नहीं है मॉडरेट, जस्ट नीचे बिलो द मॉडरेट, ठीक है, जस्ट वन अबव बिलो द मॉडरेट लेवल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैसा है कॉलेज का, तो इट्स जस्ट अ मॉडरेट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, नॉट टू हाई नॉट टू पुअर, मीडियम रैंक। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट जनरली आप पे डिपेंड करता है, बट कॉलेज कितना एफर्ट करता है आपके लिए, तो ये पुअर और मॉडरेट के बीच का अप्रॉक्स मैंने इसको दिया है, ठीक है। बेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो CS IT इंजीनियरिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इसका बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फीडबैक रेटिंग के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉलेज का वीडियो के लास्ट में, मैं कॉलेज को रेटिंग करूंगा 50 में से कॉलेज को रेटिंग करूंगा, तो आप बस बने रहिए। तो गाइज रेटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ व्यूवर्स के फीडबैक यहाँ पे हैं, वो फीडबैक हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे करेंगे। तो पहला स्टूडेंट कहता है फैकल्टी अच्छे हैं कॉलेज के, सपोर्टिव है, प्लेसमेंट कम है कॉलेज का। अगला बंदा कहता है बकवास कॉलेज है, कोई मत लेना एडमिशन, बहुत परेशान करते हैं फीस को लेकर, अटेंडेंस को लेकर। अगला बंदा कहता है रोस्ट कॉलेज, नो स्टडी, दे ऑलवेज वांट मनी फ्रॉम द स्टूडेंट। ये अपने अपने स्टूडेंट्स का है। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी इस कॉलेज में पढ़ते हो तो कुछ अच्छाई या बुराई जो कुछ भी हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स पढ़ के, फीडबैक्स पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर आप भी इस कॉलेज में पढ़ते हो तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपना राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि गाइज आने वाले स्टूडेंट को हम अवेयर कर सकें, क्लियर है। बाकी जो किसी और कॉलेज में पढ़ते हैं अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर अपने कॉलेज से रिलेटेड फीडबैक शेयर कर दिए, ताकि हम आपके कॉलेज पे भी वीडियो बना पाए। सो अगला स्टूडेंट कहता है हिटकरनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज गुड कॉलेज फॉर स्टडीज, कॉलेज हैज स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, कोर्स स्ट्रक्चर इज गुड। आगे बात करें तो अगला बंदा कहता है द प्लेसमेंट इज गुड बट नॉट बेटर, एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट देयर इज नो कैंपस इन मोर अमाउंट, ओनली अ फ्यू आर गुड, द रेस्ट ब्रांचेस आर हैविंग मोर देन माय ब्रांच। अगला स्टूडेंट कहता है माई कॉलेज इज एवरेज अकॉर्डिंग टू मी, कॉजेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड अनदर रीजन, ओवरऑल कैंपस वॉज यू, फैसिलिटी वॉज बेटर, एजुकेशन वॉज एवरेज, सेल्फ डिपेंडेंट फॉर एक्सलेंट स्टडी। अगला बंदा कहता है इट्स जस्ट ओके टाइप कॉलेज, फैकल्टी वॉज गुड बट सम नॉट ऑल, कॉलेज एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड बट प्लेसमेंट इज नॉट ओके। तो ये